हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं एक अचार बना रही हूँ, गाजर, मूली और गोभी का, फूल गोभी का। तो चलिए देखिए, मैं गाजर धो ली हूँ, इसको धो के ठीक से हल्का सा इसका जो पानी है उसका हटा दी हूँ उसको ठीक से, मतलब ये पोंछ लीजिए तो थोड़ी देर धूप में रख के। और उसके बाद देखिए गाजर को ऐसे ही बीच से छोटा छोटा सा लंबाई में करके आप टुकड़ा करके काट दें इसको, ऐसे करके आप सारे गाजर को और मूली को भी इसी, देखिए गाजर को जो है बीच से काटिए, दो तीन तीन टुकड़े इसमें लगाइए तीन, और उसके बाद इसके बीच से ऐसे ही काट दें इसको। इसका स्वाद अलग लगता है इसे काटा है, अगर काटते हैं तो ऐसे भी मैं मूली को भी काट दी हूँ और फूल गोभी का छोटा छोटा जो फूल है वो सब निकाल दी हूँ। और देखिए चलिए यहाँ बना रही हूँ, देखिए पानी उबल गया था, इसमें हल्दी डाल दी थी थोड़ा, क्योंकि फूलगोभी के अंदर हल्दी घुसना थोड़ा, इसमें जो भी अब है क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा अगर कीड़ा मकोड़ा ऐसा कुछ भी है तो वह गर्म पानी में और हल्दी में वो ख़त्म हो जाएगा। और ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा हार्ड रहता है। तो देखिए एक उबाल आने लगा, अब इसको हटा देंगे पानी से, इसको निकाल के अब फिर ठंडा पानी में ना धोएं, इसको गर्म पानी में ही, इसको जैसे आप निकालें किसी छन्नी में रख दें ताकि इसका सारा पानी ये निकल जाए। गर्म पानी है ये पानी तुरंत निकल जाएगा, छन्नी में आप रख दीजिएगा सारे पानी, ये दो तीन मिनट आप धूपा में रखिए या तो पंखा में, ये निकल जाएंगे। तो चलिए इसके लिए मसाला फिर बना लेते हैं। पहले तो मसाला के लिए मैंने यहाँ सरसों ली हूँ, सरसों को थोड़ा चटकने तक, चटकने लगे उसके बाद इसको तुरंत निकाल दें क्योंकि तुरंत जलने लगेगा, इसलिए चटकना शुरू हो गया है, अब इसको निकाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए मेथी डाल रही हूँ, एक चम्मच जैसा मेथी डाली हूँ। ये सारे मसाले मैं बना के, पंचफोरन जो होता है उसी में सब डालना है, मेथी है, जीरा है। देखिए मेथी भी हल्का कलर इसका चेंज होने लगता है तो इसको हटा देंगे। उसके बाद जीरा है, चलिए इसको हटाते हैं। और उसके बाद जीरा को थोड़ा गर्म कर लेते हैं, ये भी चटकने लगा है, इसको भी हटा दें, इसको भी हटा लेते हैं। और ये सारे को सबको पीसेंगे, लेकिन जो कलौंजी है और इसको अजवाइन को, ये दोनों को नहीं पीसेंगे। सौंफ भी गरम करके इसे सब मिला के देखिए मिक्सी जार में यहाँ पीस रही हूँ। एक एक चम्मच मैंने सब लिया है, और सरसों दो चम्मच ली हूँ। ये सारे मसाले देखिए बन के तैयार हैं। और कलौंजी और इसको अजवाइन को खड़ा ही डालेंगे, हाथ से थोड़ा क्रश करके डाल दें ऐसे। देखिए यहाँ तेल गर्म हो गया कढ़ाई में, और जितना आपको तेल देना जितना चाहिए। उसके बाद मैं मसाले डाल रही हूँ, जो मसाले पीसे थे सरसों वाला वो डाल दी। ये मसाले ऑल इन वन मसाले हैं जो कि सब्जी में भी आप डाल सकते हैं, इसमें सारे चीज़ हैं, धनिया है, गोलकी है, जीरा है। तो वो मैंने एक चम्मच वो मसाले डाली। और ये देखिए मूली, गाजर, मूली, गाजर और गोभी है, दो चार हरी मिर्च है। ये सारे को गैस गर्म, तेल को गर्म किए, उसके बाद उसमें मसाले डाल दिए, हल्का ठंडा हो गया। उसके बाद मसाले डालने के बाद ये सारे डाल के आमचूर पाउडर बड़ा चम्मच में, एक चम्मच डाल दी, ऐसे दो चम्मच आप डाल दें, इसमें खट्टापन आता है। और कलौंजी और अजवाइन को यहीं अब डाल दें, और नमक स्वादानुसार एक डेढ़ चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। और बस इसको आप अगर तुरंत खाना चाहें तो थोड़ा सा एक चम्मच नमक और आधा चम्मच जैसा काला नमक डाल देंगे, तो डेढ़ चम्मच टोटल नमक डालें इसमें। और इसको आप तुरंत खाना चाहें थोड़ा सा गैस में थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए पका लें। और इसको आप सिरका, इसमें एक चम्मच ठीक से सिरका डाल देते हैं ताकि वो सिरका ख़राब होने देगा। और नींबू भी, चार नींबू मैंने डाली हूँ, उसको छोटे छोटे टुकड़ा करके ताकि वो ख़राब भी ना हो और अचार भी बन जाए। उसका नींबू का भी अचार बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ, मिक्स के साथ ये सारे को मिला के। और इसमें सिरका ज़रूर डालें, ये बहुत दिन तक, ये देखिए मैंने एक चम्मच जैसा सिरका डाली हूँ ताकि ये ठीक से इसका खट्टापन, इसमें थोड़ा खट्टापन भी रहता है तो उससे भी अचार का स्वाद बढ़ जाएगा। और इसमें तो आमचूर पाउडर, वो भी बहुत अच्छा लाता है खट्टापन। बाद में ये चार नींबू काट के छोटे छोटे टुकड़े, इसके दाने सारे निकाल दिए, इसमें डाल दिए। या तो आप इसको पका दें फिर से गैस ऑन करके एक डेढ़ मिनट के लिए, कढ़ाई गर्म हो थोड़ा सा, इधर से उधर उल्टा के छोड़ दें। या तो फिर आप इसको दो चार रोज बाद खाना शुरू करें,
ये तेल में ठीक से एब्जॉर्ब हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। हो सके तो एक दो रोज धोपा लगा दें, नहीं तो आप इसको कंटेनर में एकदम सूखा कंटेनर में भर के रख दें, अचार खराब नहीं होगा। नहीं ऐसे हलवाई सब भी बनाते हैं, ये तुरंत कढ़ाई में वो तुरंत गर्म